तो किस 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 से मुलाकात की, और कोई मेमोरेबल मुलाकात आप सुना सकती हैं जो आप मिली तो बड़ा आपको अच्छा लगा, उन्होंने कुछ बोला, कुछ शेयर कर सकती हैं ऐसा कुछ वाक्या? हाँ, मतलब उस ज़माने में, अब फॉर इंस्टेंस इम्तियाज अली की पहली फिल्म भी अभी लॉन्च नहीं हुई थी, तो मैं उनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई, और अनुराग कश्यप के साथ बड़ी दोस्ती हो गई, तो हम लोग इनके साथ बाकायदा शामों को बैठते थे, और ये लोग भी महफिल जमती होगी, महफिल जमती थी, और ये लोग भी बहुत फारिग थे उस जमाने में. इमेजिन दिस इज नाउ 2000. आपको तस्वीरें वस्वीरें नहीं, आई होप आपने ली हुई हो तस्वीरें जो आप कुछ अब अपलोड कर रहे हैं ना. फिर मुझे कोई एक शाम मुझे सलमान खान साहब के घर ले गए, तो ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल. अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं थी सलमान खान की, मतलब कैन यू बिलीव इट, नहीं बट मैं नहीं थी, मैं कह रही हूं आई वाजंट स्टार स्ट्रक बाय हिम, एंड आई वाज लाइक ओके. तो आपने बिल्कुल नॉर्मल लिया सलमान खान? नहीं, आई वाज एक्साइटेड कि अच्छा ठीक है उनके घर जा रहे हैं फॉर डिनर, बट यू नो आई वाज लाइक ओके सलमान खान, बिग डील. मैंने तस्वीरें भी नहीं ली, इमेजिन. एंड व्हाई अर्जुन, व्हाई? बट ही रियली वन माय हार्ट. ओके, उतना कोई दिल जीत ले आपका, क्योंकि यार इतना, इतनी अपनाइयत, इतने प्यार से कोई आपको मिले, इतना इतना बड़ा स्टार खुद हो, मतलब उसके लिए तो लोग जिस तरह से उसको हीरो वर्शिप करते हैं इंडिया में. बट सो ही वाज वेरी काइंड, वेरी वार्म, कि नो 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 यू हैव टू स्टे. अच्छा, फिर खाना कुछ मुझे याद है लेट हो गया, और हम जाना चाह रहे थे, हमें भूख भी लग रही थी, और हम निकलना चाह रहे थे, कोई 12-1 बज गए. उन्होंने कहा नहीं, खाना रास्ते में है, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि आप खाए बगैर जाएं, खाना खाए बगैर जाएं. तो उसने खास गजाली, वहाँ पे एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है जो सलमान खान का भी फेवरेट है, शाहरुख खान का भी फेवरेट है, तो उनके क्रैब्स और यू नो ये चीज़ें बड़ी फेमस हैं. सो उनका बस रस्ते में है, रस्ते में, तो उनको 2-2.5 बजे तक हमें रोका, बहुत ख्याल रखा, एंड ही रियली वन माई हार्ट. सो मतलब जो ह्यूमिलिटी और मज़ा बहुत आया. ही इज़ वेरी फनी, अच्छा, वेरी फनी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. So Katrina Kaif was also there. They were dating at that time. So काफी स्टार. और तस्वीर नहीं ली आपने? और मैंने किसको क्या पता था कि जमाना ऐसा होगा, जब तस्वीरें में will matter, selfies will matter. किसको पता था? वो जमाना नहीं था, उस वक्त तो फेसबुक भी नहीं आया था, उस वक्त तो मुश्किल से ऑर्किड था शायद. If you remember. You're right, yeah. So are you in touch with these people now or anyone from there now? इतने साल नॉट रियली, अब बहुत साल हो गए. आई वॉज फॉर अ वाइल. जैकी श्रॉफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की. अच्छा, और ही हेल्प मी फाइंड एन अपार्टमेंट, बिकॉज बॉम्बे में बड़ा मुश्किल होता है घर मिलना. अकेली रह रही थी, किसी के साथ नहीं रह रही थी. I live with my cousin also. Fun. Yeah, it was a lot of fun. And Bombay is a very safe city. It's a very safe city for women. Okay. So I had a great time. Yes, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे एक सवाल से कितनी कहानियां हमें मिल जाएंगी. और जैकी श्रॉफ तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही आला इंसान है. I used to be a big fan of him. I'm still a big movies fan. जो उनकी उस जमाने की, you know, सब देख. But I'm a bigger fan of his personality. You know, मिलने के बाद it's like wow, आप इतने बड़े स्टार हैं और आप मेरे लिए परेशान हो रहे हैं कि तुम अकेली रह रही हो, नहीं तुम यहाँ नहीं रहो, तुम मैं कुछ करता है, मैं बेड़ू, तू रिलैक्स कर. He speaks like that. So and उनका ऑरा भी तो बड़ा होगा मुझे लगता है, you know, his personality. All of them, by the way, a lot of these Bollywood actors, हालांकि इनके कद ज्यादा नहीं है, जैकी श्रॉफ तो टॉल हैं, लेकिन लाइक सलमान खान इज नॉट वेरी टॉल, शाहरुख खान इज नॉट वेरी टॉल, बट व्हेन दे एंटर अ रूम आप जरा सीधे हो जाते हैं. हाँ, they have that star power. Power है. Yeah. और अब आप बता रही हैं तो कितना पता चला, कितनी मोहब्बत से सब लोग मिल रहे थे और थे, but sadly कि वो artist community मेरे ख्याल में कहीं भी ज़्यादातर, I think they come here, तो उनको इसी तरह से बहुत मोहब्बत और एहतराम दिया जाएगा. बिल्कुल मिलता है, आए हैं, ये लोग आए हैं, जब जब भी आए आते थे बहुत अरसे तक, पूरी आए हैं, सुष्मिता सेन आ चुकी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो उनको काफी यहाँ पर सराहा गया है. वो हमेशा बहुत बहुत हमारी तारीफ करते हैं कि यार पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी, उनकी क्रिकेट टीम हमारी बहुत तारीफ करती है कि इनके यहाँ हॉस्पिटैलिटी, हम पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी की बहुत तारीफ होती है. मुझे एक बात है अर्जुमन, कि आपने खुद जाके एक्टिंग क्लासेस लीं और डायरेक्शन की भी लीं, बट खुद कभी सोचा कि आप जाके पढ़ाएं और ये एक नया, ये एक नॉर्म हो फॉर, एंड डू यू फील कि जो आर्टिस्ट आते हैं उनको ज़रूर क्लासेस, उनकी कुछ ना कुछ पढ़ाई का एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकग्राउंड होना चाहिए? आई डू, आई डू. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज, अब देखिए जैसे नेपा के अब निकल रहे हैं ना यंग बैच, बैचेस जो इनके निकल रहे हैं, अब इनमें जो फ़र्क है जब ये सेट पे आते हैं, देखिए एक्टर होना इज़ नॉट जस्ट कि आपके अंदर टैलेंट है,
आपने कैरेक्टर अपना तैयार कर लिया, आपने डायलॉग्स याद कर लिए, आपने कपड़े पहन लिए और आप सेट पे आ गए. सिर्फ ये नहीं है, एक डिकोरम होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होती है, एक तरीका होता है काम करने का, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है, टीम वर्क है इसमें, डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, जो कि मिसिंग है फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल गई और बहुत आसानी से उनको कामयाबी मिल गई, उनको सराहा गया और वो ओवरनाइट जैसे स्टार बन गए. और आजकल तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत से हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर सोशल मीडिया स्टार्स, दे आर नॉट नेसेसरली एक्टर्स, राइट? एंड उनका सोर्स ऑफ इनकम बल्कि ज्यादा सोशल मीडिया से है. ड्रामा तो उनके लिए एक इश्तहार है, वो एक्चुअली तो वहाँ से कमा रहे हैं. सो आई डू फील देयर इज अ डिफरेंस, एंड आई डू फील के बहुत फर्क पड़ता है जब कोई सीख के आता है तो उसको फिर पता होता है कि डायरेक्टर से डायरेक्शन कैसे लेनी है, को एक्टर्स के साथ कैसे तमीज से बिहेव करना है, वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है, जस्ट एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं ना, ये आपको ज़रा सी तमीज़ और डिसिप्लिन जो है. क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, मैं जितना आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रही थी और जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, आई फेल्ट कि आप काफ़ी लिटरेरी कॉजेज के साथ इन्वॉल्व हैं, आप कुछ ना कुछ करती रहती हैं. जनरली भी आई फेल्ट दैट यू हैव अ वॉइस एंड आप कंसर्न हैं इशूज़ के बारे में एंड यू वॉन्ट थिंग्स टू चेंज. अगर मैं आपको सोशल मीडिया पर भी देखूँ, आपकी पोस्ट वगैरह, तो उससे मुझे तो कभी दिमाग में आया नहीं कि यार मैं जाके टीच करूँ, मैंने जो सीखा है वो मैं आगे दूँ. और मे बी एक इसके लिए मुझे बड़ी डांट पिटी है. अच्छा, ज़िया मुहिद्दीन साहब पे कि मैं सिखा क्यों नहीं रही, क्योंकि वो चाह रहे थे, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं. हाँ, वो एग्री करें, वो चाह रहे थे, बट मुझे समहाउ लगा कि मैं शायद, नॉट एवरीबडी इज मेंट टू बी अ टीचर और नॉट एवरीबडी कैन बी अ टीचर. मैं मेंटोर कर सकती हूँ पीपल एंड आई हैव मेंटोर्ड पीपल, ठीक है, स्मॉल पॉकेट्स में, बट आई डोंट नो, वो जो पढ़ाने का एक डिसिप्लिन है और रोज़ जाना और यू नो कुछ प्लान करके और सारा कुछ, वो मुझे लगा कि शायद मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी. तो इसलिए मैं बहुत इतनी चॉइस की बात है, आपको लगा क्या? और फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने काम में, जो एक्टिंग का काम मैं करती हूँ उसमें, फिर मेरे वक्त, मेरे जो औकात हैं, टाइमिंग्स हैं, वो इतनी स्ट्रेंज हो जाती हैं टाइम्स कि मैं अपनी फैमिली को सही से वक्त नहीं दे पाती, तो मैं पढ़ाऊँगी कहाँ और कैसे. सो वो दोनों चीज़ें फिर साथ साथ नहीं की जा सकती. तो उसके लिए मुझे बड़ी बड़े डांट भी पिटी है उनसे कि यू शुड टीच, यू नो, यू शुड इम्पार्ट, यू शुड ट्रांसफर नॉलेज. पता नहीं बात रेलिवेंट है या नहीं, बट अगर कोई सुन भी रहा है और आपको भी ऐसी एक आइडिया दे रही हूँ कि वो हम लोग बहुत कंप्लेन भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि नए लोग आ रहे हैं उनको ये नहीं, वो टैलेंट भी उतना नहीं हो पा रहा जितना पोटेंशियल है या कुछ, तो वो फिर जो जो एक खेप पीछे से चल रही है, मुझे लगता है उन आर्टिस्ट के ऊपर भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि थोड़ा टाइम लगा के जाए ना आप जैसी जगहों पर या कुछ करें, जैसे मारिया वास्ती हो गई, समीरा नदीम हो गई, नादिया जमील हो गई, इस किस्म के लोग, ये तो किसी स्कूल वूल नहीं ना गए, ये सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने घर से उठे, उन्होंने तो इन्होंने भी, इनको इनमें तमीज है, इनमें डिसिप्लिन है, इसीलिए आज तक काम कर रहे हैं और इनको आज तक काम मिल रहा है. सो जरूरी नहीं है कि आप स्कूल जाएं, वो बिल्कुल, मतलब इट्स नॉट 100%, इट्स नॉट अ गारंटी, एंड इट्स नॉट अ गारंटी कि आप स्कूल जाएंगे तो आप कामयाब होंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है. एजुकेशन समटाइम्स डजंट इवन पॉलिश यू, मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. हां, तो शऊर और उसमें फर्क है ना. सो आई जस्ट फील दैट ये आपके अपने ऊपर भी होता है ये. ओके, तो अर्जुन आप, मुझे लगता है एक ऐसे उसमें जहाँ पे बहुत सीनियर आर्टिस्ट में भी आपको मैं नहीं काउंट करूँगी और बहुत जूनियर में भी नहीं करूँगी, बीच में कभी आपको खुद एहसास होता है कि मैं थोड़ी सी लॉस्ट हूँ या किस साइड पे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं, और हाउ डू, और किसी सेट पे अगर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सीनियर एंड यंग आर्टिस्ट की, तो हु डू यू इन्जॉय मोर वर्किंग विद? डिपेंड करता है, कभी किसी से ज़्यादा दोस्ती होती है, कभी किसी से ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है. बट यू राइट, मैं हूँ इस वक्त, आई फील एज वाइज, स्टेज वाइज, यू नो, करियर वाइज, समवेयर इन द मिडल ऑफ, स्पेशली जिस किस्म की कहानियाँ हमारे यहाँ लिखी जाती हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कहानियाँ बहुत यूथ ओरिएंटेड हैं, सारा जो फोकस है वो एक पहली नज़र की मोहब्बत और 19 साल की लड़की कॉलेज में, और उसको
फूफी के बेटे से उसको अफेयर होना है और उससे शादी हो जानी है, और ये भी बड़ी एक नेगेटिव बाय द वे बात है जो हम बार बार पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं कि चाचा की बेटी से शादी और फूफी की बेटी से शादी. भाई पूरी दुनिया बाहर पड़ी हुई है, आप सिर्फ फर्स्ट कजन्स में शादियाँ क्यों कर रहे हैं? एंड वी शुडंट डू दैट, वी शुड नॉट बी इनकरेजिंग दैट बिकॉज इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्थी फॉर द चिल्ड्रन. बट वो अवेयरनेस ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे आप? वी शुड से, बल्कि कोई कैरेक्टर बोलना चाहिए फैमिली में, चाहे ड्रामे में आप दिखाएं और कैरेक्टर के नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हेल्थी नहीं है, बच्चे बच्चों का सोचो, अगली जनरेशन का सोचो. तो खैर यस, दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर व्हाट आई सेड टू यू कि आई हैव ओपन्ड माय सेल्फ अप, कि मैं सिर्फ अब ये नहीं देख रही कि मैं अगर सारा फोकस कहानी का मेरे ऊपर है तो मैं ड्रामा करूँगी या एक्टिंग करूँगी. कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, चाहे बेशक ऑनसेंबल कास्ट हो, जैसे कि घिसी पिटी मोहब्बत था, मेरा तो कैरेक्टर चंद किस्तों के लिए था लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल था, बहुत बहुत जो लोगों को याद रहा, जिस पे कमेंट्स बहुत आए, तारीफ बहुत हुई. सो यू नो इस तरह की चीज़ें.